हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब गेमिंग चैनल बून गेमिंग। तो गाइज़ यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि मतलब मोस्ट अवेटेड जो अपडेट थी पबजी मोबाइल की 0.13.0 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कौन से फीचर हैं जो कि पबजी ने इस अपडेट में डाले हैं और कौन सी जो नई चीज़ें हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। तो अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यार से दबा दीजिएगा और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में, इस अपडेट में कौन सी जो चीज़ है, कौन सा जो फीचर है वो सबसे ज़्यादा मज़े का लगा। तो गाइस यहाँ पे यार चीज़ आती है वो है गॉडज़िला मूवी के साथ जो इन्होंने क्लैब किया है। तो गाइस यार, जब आप मतलब गेम अपडेट करने के बाद ओपन करते हैं तो आपको ये एक मेल मिल जाती है जिसमें कि मतलब लिखा है मॉन्स्टर इनबाउंड वी नीड यू। तो ये गाइस एक जो इन्होंने गॉडज़िला मूवी की जो है वो थीम डाल दी है। तो मैंने इसको ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, तो आपने इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेना है। तो इसको कलेक्ट करने के बाद करना क्या है, आपने सिंपल जाना है अपने इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री में ये आपको मिल जाएगी। तो गाइस यार, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यार ये बहुत ही एक औसम सी मतलब लुक दे रही है, जैसे कि ये थोड़ी देर पहले जैसे इन्होंने रेजिडेंट ईवल के साथ जो कोलैब किया था तो तब इस तरह की वो थीम दी गई थी, तो अभी भी ये वैसे के ही कुछ देखने को मिली। तो यार ये बहुत ही औसम सा जो है थीम है लग रही है। नीचे लिखा आ गया है पबजी एक्स गॉडज़िला किंग ऑफ मॉन्स्टर। तो गाइस ये थी एक चीज़, और उसके बाद गाइस जो दूसरी चीज़ है वो है, तो गाइस यार यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो है TDM मैच। तो गाइस यार इस जो ये जो फीचर है इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, सभी इसको खेलना चाहते थे, जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये जो न्यूज़ में भी चल रहा था। तो गाइस जैसे जहाँ पे ये मैप है, मैप के नीचे आपको ये TDM लिखा नज़र आ जाएगा, तो इसके नीचे लिखा है 4v4 TPP और FPP, ये मतलब आप दोनों में खेल सकते हैं जैसे भी आप मतलब इसको खेलना चाहें। तो ये एक इवेंट मोड में इन्होंने डाला है जिसमें मतलब आप दूसरी टीम के साथ खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक वेयरहाउस दे दिया जाता है और इसमें आप मतलब आ गया उसका जो भी 40 किल पहले फर्स्ट 40 किल करने होते हैं, जो भी पहले करता है वो विन होता है। तो यार ये एक बहुत ही मतलब मज़ेदार सा इन्होंने इवेंट एक ये डाला है। तो गाइस इसके बाद जो है वो आ जाता है ज़ोंबी मोड। तो गाइस यार इन्होंने ज़ोंबी मोड में भी मतलब के काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसमें कि मतलब इन्होंने कुछ नए वो जो फीचर्स हैं वो भी मतलब नए ज़ोंबी डाल दिए गए हैं और कुछ इसी तरह का मतलब उनको अपडेट कर दिया गया है। तो गाइस ये तो मतलब अगर इस ज़ोंबी मोड के बारे में मैं आपको बताने लगा तो ये बहुत ही लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इसलिए जो है ज़ोंबी मोड पे मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो इसके बाद गाइस जो एक नई फीचर आया है वो है कुछ नए इन्होंने अचीवमेंट इसमें ऐड किए हैं। तो अचीवमेंट देखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाना है आपने अचीवमेंट पर। तो अचीवमेंट पे आने के बाद ये जो पिस्टल का निशान है इस पर आपने क्लिक करना है। तो गाइस यार यहाँ पर आपको ये 4 न्यू अचीवमेंट मिल जाएंगे। हाँ जी गाइस, तो यार ये वीडियो अचीवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने इस पे एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला है वो है विक्ट्री लिगन 1 अल्फा एंड ओमेगा है, एक एनवे ऑफ मॉर और T-80-800 है। तो गाइस यार ये आप मतलब मैं आपको वो वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसमें ये अच्छे से चेक कर लेना। तो गाइस यार जब भी पबजी किसी भी चीज़ के साथ कोलैब करता है तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब उसके वो कोई आउटफिट दे के को वो पैसे ना कमाए और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट ना करें। तो गाइस यार ये देख सकते हैं कि बहुत ही औसम सा मतलब कि इन्होंने ये जो एक आउटफिट भी डाल दिया और साथ में इसका ये जो इमोट है औसम है यार, बिल्कुल एकदम कमाल। तो यार इसी के साथ ये है एक, और ये मॉन्स्टर सूट है और इसके साथ इन्होंने दे दिया है हमें गॉडज़िला बैकपैक। तो देख सकते हैं कि यार इसको भी मतलब उसी के गॉडज़िला के थीम के ऊपर ही मतलब इसको ब्लू कलर का इन्होंने बनाया, यार बहुत ही औसम लुक आ रही है इसकी, और ये जो सूट है वो भी कमाल है। तो इसी के साथ यार आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये गिदोरा का बैकपैक है, ये भी आप देख सकते हैं, तो किंग गिदोरा बैकपैक है। तो किंग गिदोरा का जो इन्होंने वो कोई सूट तो नहीं डाला, लेकिन उसका ये जो है एक ये प्लेन की फिनिश दे दी है, इसके ऊपर ये किंग गदोरा बना हुआ है और लिखा भी हुआ है किंग गदोरा। तो एक ये चीज़ डाल दी है, और एक ये इन्होंने डाला है हेलमेट स्कारलेट बेस्ड हेलमेट। तो ये तो यार मतलब एक ओके सी चीज़ है, मतलब इतनी ख़ास नहीं है। तो इसी के साथ गाइस यार
ये जो है एक सूट डाल दिया इन्होंने यार, बहुत ही कमाल का है ये भी। तो इसके साथ अगर आप ये मास्क लग जाए और ये गदोरा का जो बैकपैक है इसके साथ काफ़ी मैच कर रहा है, तो यार ये मतलब एक बहुत औसम सी लुक आ जाती है। तो गैस यार ये अगर मतलब है कि अगर आप 10 क्रेट एक साथ ओपन करते हैं तो इसमें से मतलब आपके एक चीज़ जो लेजेंडरी है वो निकलेगी ही निकलेगी। ये जो गॉडज़िला के सूट से लेकर ये जो है स्कारलेट तक जो है ये लेजेंड्री आइटम है, और इनमें से एक अगर 10 आप ओपन करते हैं तो एक आपकी लाजमी इसमें से एक लेजेंड्री आइटम निकलेगी ही निकलेगी। तो ये एक इन्होंने ना साथ में जो स्किन है M416 की जो काफ़ी मज़े की लग रही है। तो गैज़ यार एक ये चीज़ थी, और इसके साथ गैज़ यार एक जो और उन्होंने नई चीज़ जो अपडेट की है वो है वीकेंडी मैप में। तो गैस यार यहाँ पे जो एक मतलब वीकेंडी मैप में चीज़ थी कि जब आप स्नो के ऊपर चलते थे तो मतलब आपके वो फुटप्रिंट नहीं थे आते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब भी मतलब आप स्नो के ऊपर कोई भी मतलब आपका एनिमी अगर चल के जाएगा तो उसके फुटप्रिंट पीछे से आपको नज़र आएंगे, तो आप उसको फॉलो करके आप उसको किल कर सकते हो। जैसे ही इसी तरह अगर आप मतलब किसी बाइक पे या कार पे या किसी पे मतलब आप चलते हैं तो आपके उसके गाड़ी के भी जो टायर के प्रिंट है वो भी पीछे से मतलब स्नो के ऊपर वो प्रिंट होते जाएंगे, तो आप उनको से मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस यार ये मतलब कुछ इस तरह की इन्होंने मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो अपडेट की हैं। तो इसी तो अभी तक की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको कुछ और मज़ीद इसके बारे में कोई नया फैक्ट पता चले तो यार वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब कौन सी चीज़ आपको जो है वो इसमें से सबसे अच्छी लगी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।